स्वागत है और अभिनंदन है एक और नए वीडियो में। बहुत सबका बहुत बेसब्री से इंतजार है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो समर वेकेशन का जो अवकाश है वो कब होगा, क्योंकि कैलेंडर में लिखा गया है कि 57 दिनों का समर वेकेशन होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं रही हैं। आज इसी के विषय में चर्चा करनी है। जो भी संबंधित महाविद्यालय के छात्र हैं, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और आपके मन में, आपके जहन में, क्योंकि हर एक वीडियो में कमेंट आ रहा है कि समर वेकेशन कब होगा। विश्वविद्यालय जब तक खुल नहीं रहा था तब तक आप लोग ये कह रहे थे कि विश्वविद्यालय कब खुलेगा, और जब अब खुल रहा है, जब पढ़ाई लिखाई अब हो रही है, उसके बाद आप समर वेकेशन पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हद से ज़्यादा आप चिंतित हैं। अगर समर वेकेशन नहीं हो तो समझ लीजिए ज़िंदगी आपकी व्यर्थ ही हो जाएगी, जन्म लेना ही बेकार है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर 57 दिनों का समर वेकेशन कैलेंडर के हिसाब से नहीं हो तो समझ लीजिए एडमिशन लेना यहाँ पर व्यर्थ है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि समर वेकेशन पे जो आप सबके बहुत तमाम तरीके से चिंताएं थी, उसका आज समाधान मैं कर रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। ये वार्षिक कैलेंडर पहले जारी होता है, लेकिन ये विश्वविद्यालय के पास पावर होती है कि कभी भी किसी भी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आप भली भांति जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोविड पीरियड में बहुत आराम करके आए हैं और अब विश्वविद्यालय का पठन पाठन ठीक से संचालित हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, तृतीय वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन लेनी है। अब ऑनलाइन तो परीक्षा तो होगी ही, साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगस्त के पहले ही वीक में जो प्रस्तावित प्रथम वर्ष की परीक्षाएँ हैं उसको भी करवाने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगस्त के प्रथम वीक में आपकी परीक्षाएँ 110% शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगर 57 दिनों का विंटर वैकेशन करते हैं जैसा कि कैलेंडर में कहा गया है, तो 10 मई से लेकर के 30 जून तक आपका छुट्टी रहेगी। उसके बाद 1 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक सिर्फ 30 दिन का समय रहेगा, और उतने समय में मान लीजिए कि अभी लगभग 20 अप्रैल से लेकर के 20 दिन का समय है 10 मई को होने में। इसके बाद जो है अगर हम देखते हैं जुलाई में, तो 2 महीने में किसी भी हाल में सिलेबस आपका पूरा नहीं हो सकता, जो कि बीए पार्ट वन का 80% जो सिलेबस है, जो कि पार्ट वन के छात्र हैं। तो इस वजह से विंटर जो समर वेकेशन होगा, समर वेकेशन 57 दिनों का होने वाला नहीं है। ये है कि थोड़ी सी इसकी जो डेट है उसको बढ़ा दिया जा सकता है। समर वेकेशन 1 महीने का लगभग हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले प्रियॉरिटी विश्वविद्यालय की है कि आपका पहले सिलेबस पूरा हो, आपका पठन पाठन किसी भी तरीके से बाधित ना हो, ये विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता है। और इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए समर वेकेशन की अभी तो आप उम्मीद ना करिए। हाँ, एक उम्मीद आप जरूर करिए कि जब भी नोटिस आएगी विश्वविद्यालय की समर वेकेशन की, तो मैं आपको यहाँ से सूचित कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आप बेवजह परेशान ना होइए। अपना जितना पोटेंशियल आप इसको सोचने में दे रहे हैं कि समर वेकेशन कब होगा, छुट्टी होगी कि नहीं होगी, उतना पोटेंशियल अगर आप पढ़ाई में दे दें तो शायद स्थितियाँ कुछ और हो जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत दोहरी चुनौती है। अप्रैल बीतने वाला है, 1 महीने समर वेकेशन में चला जाएगा, आपके पास मुश्किल से 2 महीना बचेगा, 1 महीना आप क्लास करेंगे, इसके बाद आप देखिए 1 महीने के पहले आपकी तैयारी शुरू होगी, परीक्षा के पहले आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। आप स्थितियों को समझिए और थोड़ा सा बी सीरियस, बी अटेंटिव फॉर योर एग्ज़ाम, अपने परीक्षा को लेकर के प्रथम वर्ष वाले बहुत ज़्यादा सीरियस रहें। अब आपको कोई प्रमोट नहीं करवा सकता, आपकी परीक्षाएँ ऑनलाइन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। इस दुविधा में ना रहें, इस द्वंद में ना रहें कि हम जैसे कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कहीं हुई वैसे हमारी भी चीज़ें हो जाएंगी। परीक्षाएं आपको जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनको ऑफलाइन ही देनी है। अगस्त के प्रथम वीक में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और सेशन लेट ना हो इसलिए विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से इस पर काम करेगा। तो समर वेकेशन के लिए जो भी महाविद्यालय के छात्र हैं, जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, बहुत परेशान ना होइए। उम्मीद यही है कि समर वेकेशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होगा, 25 से 30 दिनों का होगा, 20 से 25 दिनों का होगा, लेकिन इसकी समयावधि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने ये भी रखा कि जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता है सिलेबस को पूरा करवाने की। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, वरना आप ही बाद में कहेंगे कि क्लासेस चली नहीं, परीक्षाएँ हम कैसे दें। इस तमाम बातें थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत परेशान ना होइए, जब भी होगा समर वेकेशन आपको बता दिया जाएगा। उम्मीद यही कि 25 से 30 दिनों का समर वेकेशन आपको दिया जाएगा, लेकिन इसकी भी बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा भी होगा आपको सूचना दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।